सुबह गाइस दोस्तों, मैं अतुल इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सभी को मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक महीने पहले गवर्नमेंट ने टिकटॉक के साथ में 58 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया था। और दोस्तों आज हमारे सामने ब्रेकिंग न्यूज निकल के ये आ रही है कि गवर्नमेंट ने आज फिर से एक नया लिस्ट बनाया है जिसमें चाइनीज 47 ऐप लिस्टेड है। तो दोस्तों इसमें क्या पबजी भी लिस्टेड है या नहीं है, तो जैसे ही गवर्नमेंट का जो लिस्ट हमारे सामने आता है तो हम आपके जो है उस लिस्ट को शेयर कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें पबजी है या नहीं है। पर नेट पे ऐसा दावा किया जा रहा है, यानी कि कुछ सूत्रों से ऐसा दावा किया जा रहा है कि टेंसेंट कंपनी की जो भी गेम्स है उसे भी ब्लॉक किया जा रहा है। और जो भी चाइनीज एप्लीकेशन पहले बैन किया गया था उनका जो क्लोन एप्लीकेशन है उनको बैन किया जाएगा। यानी कि जैसे कि पहले शेयर इट था तो अब शेयर इट लाइट को बैन किया जाएगा, क्योंकि वो सारी जो कंपनियां हैं अपने हिसाब से शेयर इट लाइट, टिकटॉक लाइट, टिकटॉक प्रो ये सब निकाल रहे थे। तो इसी तो देखते हुए गवर्नमेंट ने फिर से सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए फिर उन चाइनीज 47 एप्लीकेशन को बैन करने का फैसला लिया है। जैसे कि हम लोग जाते हैं गूगल क्रोम पे, गूगल क्रोम पे सर्च करने के बाद हम जैसे गूगल पे लिखते हैं कि इंडिया हैज बैन 47 ऐप, तो इस पर सर्च करने के बाद हमें लाखों जो है सॉरी ऐसे 10-20 आर्टिकल मिल जाता है जिसमें 47 ऐप बैन करने का दावा किया गया है। तो जैसे ही गवर्नमेंट की ओर से लिस्ट हमें मिलता है तो हम आपको शेयर कर देंगे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन तक पहुंच जाए। और दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद और वंदे मातरम।